नूरपुर में नूरपुर संघर्ष समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य हिमाचल में प्रस्तावित फोर लेन के प्रभावित लोगों को आज तक न्याय न मिलना है। संघर्ष समिति का कहना है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होने के नाते सबसे अधिक भू अधिग्रहण के मामले भी कांगड़ा जिला के हैं, लेकिन सरकार द्वारा समाधान हेतु राज्य स्तरीय निवारण कमेटी गठन कर नूरपुर संघर्ष समिति व जिला कांगड़ा का कोई भी प्रतिनिधित्व उसमें नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महज एक शिलान्यास द्वारा लोकसभा चुनावों की बौखलाहट में आधारशिला रखने जा रही है, ये भी मात्र एक चुनावी जुमला सिद्ध होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि किसानों व अन्य प्रभावितों का मालिकाना हक भू अधिग्रहण करके बिना कीमत चुकाए सरकार कैसे ले सकती है। यहाँ तक कि भू अधिग्रहण की प्रक्रिया में प्रशासन द्वारा चिन्हित मापदंडों पर प्रभावितों को कोई भी लेखा जोखा नहीं दिया जा रहा है, जिसका प्रशासन के पास भी अभी तक लेखा जोखा नहीं है कि जमीन किन मालिकों की है और कहां कहां रेडी फेड़ी व्यापारी वर्गों को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुनर्वास व पुनर्स्थापन कानून 2013 के अंतर्गत मुआवजा लेने के लिए हकदार लोगों को कब चिन्हित किया गया इसकी भी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सब प्रभावित वर्ग सरकार द्वारा किए गए शिलान्यास का पुरजोर विरोध करते हैं व पुनर्सीमांकन और पुनरक्षण की जोरदार सरकार से मांग करते हैं, ताकि जो भी NHAI द्वारा सर्वे में टेक्निकल चूक हुई है व भूमि अधिग्रहण की पैमाइश में जो चूक हुई है उसे ठीक किया जाए। नितिन गडकरी से संघर्ष समिति ने पूछा है कि आप पूरे भारत वर्ष के मंत्री हैं, आपकी करने और कथनी में शक है। महाराष्ट्र में आपने फैक्टर 5 के हिसाब से पैसे दिए हैं, तो क्या हिमाचल जैसे छोटे राज्य में फैक्टर 1 ही लागू रहेगा, और यदि 2 भी देंगे तो इसके लिए वे मानने को क्यों तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आपका स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं कि शिलान्यास के दिन यदि आप ये घोषणा नहीं करेंगे तो हम भूमि अधिग्रहण नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि आप मात्र वार्ता ना समझें, हम अपना हक लेके रहेंगे। मैं इस फोर लेन संघर्ष समिति के इस मीटिंग के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी फोर लेन संघर्ष समिति दिल्ली में जाके गडकरी से मिली, चीफ मिनिस्टर साहब से मिली, अपने MLA से मिली, सारे ब्यूरोक्रेट से मिली, हमें आज तक वो छूछने के सिवा हमारे हाथ में इन्होंने कुछ नहीं पकड़ाया। मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि गडकरी जी, जैसा उनका पूरे हिंदुस्तान में नाम सुना है, ही इज ए मैन ऑफ कॉन्शियंस, वो हमें 24 तारीख को हमारे डेलीगेशन से मिलके हमें टाइम देंगे और उनसे रूबरू होकर वो हमारी बातें सुनेंगे, ताकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी लगे कि अगर हमसे सरकार भूमि ले रही है, हम देश के लिए कोई योगदान कर रहे हैं, तो देश भी हमारे लिए सोच रहा है। धन्यवाद। आज हम जो प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं फोर लेन संघर्ष समिति नूरपुर, हमारा जो मेन मुद्दा है कि हमें, ठीक है सरकार जो है सड़क बनाने जा रही है, हम उसके सहभागी बन रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसकी कितनी ज़मीन जा रही है, कहाँ से जा रही है, कि कितना उसको रेट दिया जा रहा है। मैं गडकरी जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि गडकरी जी, आप पूरे हिंदुस्तान के मंत्री हो, और एक मुझे आपकी जो करनी और कथनी पे थोड़ा सा शक है, मैं वो बोलने जा रहा हूँ कि आपका जो मतलब क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, वो पूरा हिंदुस्तान है। महाराष्ट्र में आपने फैक्टर 5 के हिसाब से पेमेंट दी है, क्या हिमाचल जो है वो एक छोटा राज्य होने के कारण, पहाड़ी राज्य होने के कारण, उसको आपने फैक्टर 1 के वन के लिए मतलब रखा हुआ है, और यदि फैक्टर 2 भी दे देंगे, हम उसके लिए भी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम भी फैक्टर 5 के लिए मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी जहाँ से जो पठानकोट से मंडी जितनी भी सड़क बनने जा रही है, उसमें सबसे ज़्यादा जो व्यापार है हिमाचल का, वो केंद्रित है, और छोटे छोटे व्यापारी जो हैं वो सारे बेरोजगार होने जा रहे हैं। मैं महोदय जी से फिर भी आग्रह ये करना चाहता हूँ कि आप आ रहे हो, शिलान्यास पे आ रहे हो, हमें बहुत खुशी है, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन उस दिन यदि आप शिलान्यास करने से पहले ये घोषणा नहीं करेंगे, तो हम भूमि अधिग्रहण नहीं करने देंगे। ये इसको आप मात्र एक प्रेस वार्ता मत समझे, और इसको यदि आप धमकी भी मत समझे, ये हम करके दिखाएंगे। धन्यवाद।
एच टुडे के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।